एक शख्स अपने आप को कहता है जी मैं मुसलमान हूं फॉर एग्जाम्पल एक शख्स कहता है जी मैं मुसलमान हूं जी मैं अल्लाह को और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता हूं लेकिन वो हर हरकत में लेट सपोज के वो डेवल वर्शिपर्स की तस्वीर कर रहा है डेवल वर्शिपर्स के साथ चलता है उठता बैठता है कपड़े पहनता है हर तरह के उन्हीं की तरह करता है तो उसका दावा जो है ना ये जो क्लेम है कि मैं अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता हूं ये वीक हो गया या हो सकता है ये बिल्कुल झूठा हो जाए क्योंकि उसका हर दावे के पीछे ना एक एविडेंस होनी चाहिए दर हैज टू बी अ दलील हैव टू बी एन एविडेंस बिहाइंड एवरी क्लेम दैट यू मेक शेख उम बिन तेमिया रहीम फरमाते हैं इस हदीस के बारे में कि दिस हदीस के जहाँ पर आपने फरमाया कि एवर इमिटेट पीपल इज वन ऑफ दैम ही दिस एट द वेरी लीस्ट इंडिकेट्स दैट इट इज़ हराम टू इमिटेट द डिजिलीवर्स ऑल्दो द अपेरेंट मीनिंग इज दैट द वन हु इमिटेट्स दैम बिकम्स अ काफिर आप, आप खुद सोचें वो कहते ना इंग्लिश का एक एक्सप्रेशन है कि इट लुक्स लाइक डक एंड इट क्वैक्स लाइक अ डक देन इट इज़ अ डक तो अगर एक बंदा काफरों की तरह लगना चाह रहा है काफरों की तरह बिहेव कर रहा है उनकी तरह एक्ट कर रहा है उनसे मोहब्बत कर रहा है तो वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा वो उन्हीं में से होगा और इस ये भी हदीस भी है कि जो जिनसे मोहब्बत करता होगा वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा साहबा ने फरमाया था जब आपने ये हदीस सुनी ना आपने कहा इट वॉज द बेस्ट डे ऑफ आर लाइफ क्योंकि हमें पता था कि वी लव द प्रॉफिट प्रोफिट सल्लाम मोर देन एनीथिंग एल्स लेकिन आज हमें अपने बारे में सवाल करना होगा कि हमें वाक़ता किससे मोहब्बत है तो जिससे भी हम असल में मोहब्बत करते हैं ना हम उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे अगर वो ग्रुप वो पार्टी जन्नत में जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह वी विल बी विद दैम और अगर वो पार्टी जन्नत में जा रही है तो फिर अल्लाह माफ़ करे वी विल बी विद दैम सो यू माई डियर सिस्टर्स हैव टू डिसाइड हु डू यू रियली लव असल में आपकी मोहब्बत आपकी ओबीडियंस आपकी एलिजेंस किस के साथ है उन लोगों के साथ जो अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं या उन लोगों के साथ जो अल्लाह की नाफ़रमानी वाले काम कर रहे हैं मैं और आप हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्री है हमें सोचना चाहिए कि हम किस रस्ते पर हैं